दीपावली, राखी, संजना। सो आज 26 जनवरी के गांधी मैदान परेड में आप लोगों को मिला है फर्स्ट प्राइज परेड के लिए। सो क्या है मैम, बताइए आज क्या? आज जो है बहुत ही गौरव का दिन है, जैसे कि आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है और हमारी गर्ल्स बटालियन के लिए भी गौरव का दिन है कि इस गणतंत्र दिवस के परेड में गर्ल्स बटालियन नॉन प्रोफेशनल्स में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारा जो ये परेड का जो दस्ता था उसमें हमारी 5 कॉलेजेस के बच्चे, जिसमें JD वुमेंस, पटना वुमेंस, गुलजार बाग, गर्दनी बाग के बच्चे SW कैडेट्स थे, वो शामिल हुए और उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया और उनका परिश्रम जो है आज गांधी मैदान के गौरवमयी स्थल पे जो है अपना रंग लेके आया और हम लोग फर्स्ट आए हैं और हम सभी बहुत ही खुश हैं और ये हमारी पूरी वन बिहार गर्ल्स बटालियन टीम का होल एफर्ट है। ओह थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है? सो कौन अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है सबसे पहले? हाँ ओके, और थोड़ा आगे आओ। सो कितने दिन की प्रैक्टिस चली आता है? सबसे पहले मैं अंडर ऑफिसर रेनू कुमारी, बहुत अच्छा लग रहा है गांधी मैदान में परेड करके और हम फर्स्ट भी आए हैं फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी अपने PI सर, GCI मैम वगैरह, थैंक यू करना चाहूँगी। उन्होंने सपोर्ट इतना किया कि हम मोटिवेट रहे हमेशा, कभी हार नहीं माने और इतना मेहनत किए कि आज रंग लाया है मैंने। तो क्या कैसा है इस बार का 26 जनवरी और सरस्वती पूजा दोनों एक साथ है? जी, जी। तो अभी क्या यहाँ से छूटने के बाद क्या सरस्वती पूजा में? जी जी बिल्कुल, अभी सरस्वती पूजा जाके मनाएंगे अपने अपने घर पर और अभी फिलहाल तो अभी जी अपना सेलिब्रेट करेंगे। ओके ऑल द बेस्ट। और कौन बोलना चाहता है? जैन, मैं अंडर ऑफिसर सोनी कुमारी फ्रॉम JD वुमेंस कॉलेज। आज हम लोग को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, थैंक यू हमारे सर एंड मैम जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए और गांधी मैदान में हमें परेड करने का मौका मिला। सो थैंक यू मैम एंड सर, हमें मौका मिला। पहले भी परेड किया था कभी स्कूल में या? स्कूल में नहीं, कॉलेज में परेड की थी। कॉलेज में परेड की थी। कितना फर्क होता है गांधी मैदान में परेड करने का, क्या क्या अनुभव बताइए? गांधी मैदान में परेड हम लोग किए तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हम लोग को एक अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता था। हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत भी किए और जब आज हम लोग परेड कर रहे थे तो चारों तरफ जनता बैठी थी, हमें देख रही थी और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि हमें लोग देख रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। और कौन बोलेगा? आई 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 पहली बार किया परेड, हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उनको बहुत प्राउड। तो पहले आपको अपना परिचय बताना होगा। सर माई सेल्फ कैडेट श्रेया गुप्ता फ्रॉम फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन एंड आई एम फ्रॉम मगध महिला कॉलेज पटना। और पहली बार किया सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, हमारे लिए चीयर भी कर रहे थे और बहुत काफ़ी सही अच्छा रहा और सारे इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, बहुत उन्होंने हेल्प किया हमारा, तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। हाँ सिर्फ अंडर ऑफिसर संजना कुमार, अंडर ऑफिसर संजना कुमारी फर्स्ट वी आर गर्ल्स बटालियन फ्रॉम JD वुमेंस कॉलेज एंड वी आर प्राउड ऑफ अस कि मैं गर्ल्स बटालियन के कैडेट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये RDC दिल्ली के बाद यहाँ पे सेकंड RDC ये है गांधी मैदान में करने का, जो कि बहुत अच्छी खुशी मिली है हम लोगों को, सारी गर्ल्स को खुशी मिली है और थैंक्स टू ऑल PIs AN मैम एंड CO सर। तो ये दूसरी बार है आपका? सर ये फर्स्ट टाइम है, बट ये RDC के बाद यहाँ पे जिनको मौका मिलता है उनके लिए बहुत खुशी की बात है ये, और ये हमें मौका मिला है इस गर्व की बात, इससे क्या हो सकता है? मतलब इसका मतलब है आप दिल्ली जा चुकी हैं एक बार? नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, हमारे लिए खुशी की बात है ना। अच्छा तो नेक्स्ट टाइम दिल्ली का सपना है? सर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, अगर हो तो जरूर जाएंगे, ट्राई करेंगे। तो संजना किस कॉलेज से बताया आपने? JD वुमेंस कॉलेज। कितना अलग है इस बार का 26 जनवरी और पिछला जो 26 जनवरी आपने मनाया, क्या अंतर लगता है? सर पिछले बार 26 जनवरी नॉर्मली हमारे कॉलेज में मने थे, बट यहाँ पे परेड करने का एक अलग ही खुशी मिला,
जो आप देख सकते हो हमारे कैडेट की खुशी चेहरे पे, बहुत अलग लेवल का था। सो और कौन बोल, बताइए अपना परिचय दीजिए। मैं कैडेट प्रियंका कुमारी फ्रॉम जेडी वुमेन्स कॉलेज फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन। मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि हमने आज गांधी मैदान में बहुत ही वहाँ हमें परेड करने का मौका मिला और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा और हमारी गर्ल्स बटालियन ने फर्स्ट पोजिशन पर आई है। अच्छा अब तो विषय वस्तु चेंज करते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टू यू, सब लोगों को बहुत मुबारक हो। आज आप लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। गांधी मैदान में तो लोग दर्शक बन के जाते हैं। क्या सपना है आप लोगों का, एनसीसी में क्या सपना देख रही हैं? जी एनसीसी में सबसे पहला तो ज्वाइन करने का ये है कि हमें अपने पर्सनालिटी और आगे हमारे जॉब पर ये जॉब में ये काम आएगा। सबसे किस तरह का जॉब देख रहे हैं? डिफेंस सर्विसेज में। डिफेंस सर्विसेज के लिए फिर क्या क्या किस किस तरह की भर्तियां होंगी जिसमें आप अपने आप को प्रवेश परीक्षा में शामिल करेंगी? कौन कौन सी परीक्षा है जी? बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जैसे कि SSC GD और SSB के थ्रू भी, ये CDS के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। अच्छा। आगे लेफ्टिनेंट जनरल ये सब बनते हैं, उसमें हम लोग का जाने का बहुत सपना है। अच्छा और बताइए, मन की बात बताइए कुछ आज। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है यहाँ परेड करके। जी पहले सपना था दिल्ली जाने का लेकिन वो मैंने पिछले बार सिलेक्शन नहीं ले पाई थी, इस बार मैंने यहाँ। ओके थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम विमल चुन्नी है और आप इस वक्त हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। और कौन अपने मन की बात शेयर करना चाहता है, आइए 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 आ जाइए। मैं अंडर ऑफिसर रितिका कुमारी फ्रॉम मगध महिला कॉलेज, मैं फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन की कैडेट हूँ। मेनली मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें NCC से ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। चाहे किसी, अगर ज़रूरी नहीं कि मैं डिफेंस में ही जाऊँ, लेकिन इससे ना एक यूनिटी एंड डिसिप्लिन सीखने को मिलता है कि मैं कहीं भी जाऊँ एक डिसिप्लिन मन में रहेगा, मैं अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस फील करूँगी जिसके द्वारा है ना मैं कोई भी काम है ना बिना झिझक के आगे बढ़ सकती हूँ। मैं एक लीडरशिप का NCC से ना बहुत ज़्यादा सीखी हूँ क्योंकि मैं इसमें है ना सर और सारे PI सारे मैम सारे सर लोग NO लोग मिस हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला भी है कि आप लीडरशिप इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप आगे बढ़िए, आप सीखिए, तभी आगे आप कुछ कर सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। और आइए कौन व्यक्त करना चाहता है अपने मन के भाव को? यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, तो ऐसे मौके पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर फिर खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों स्वयं रचित हूँ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और NCC ने हमें यही डिसिप्लिन सिखाई है जिसके नक्शे कदम पर चलकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद। आइए कौन आएगा दोबारा, कौन आना चाहता है? जो पीछे हैं वो आने का मतलब इस मौके का फायदा उठाइए। सर माइसेल्फ चांदनी कुमारी फ्रॉम फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन JD वुमेन्स कॉलेज। सर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैंने NCC में ज्वाइन किया, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं सपोर्ट करते, मैं सोचा पढ़ाई पे ध्यान दो ये सब टाइम वेस्ट है, बट हम सबसे लड़े और इसमें आगे और आज हम फर्स्ट भी आ गए और अपने पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि देखिए आप लोगों को हम गलत साबित किया और आज हम फर्स्ट आए। तो अभी अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी बस तैयारी कर रहे हैं, हम BA कर रहे हैं JD वुमेन्स कॉलेज। क्या और डिफेंस लाइन में भी और में फॉर्म वॉर्म वगैरह भरते रहते हैं ICSF का और बिहार पुलिस मद निषेध, पिछले बार तो एग्जाम भी दिए थे तो नहीं निकला था, फिर इस बार दी हैं, कोशिश करेंगे कि निकल जाए इस बार। अच्छा वाह ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और बोलिए कोई बोलना चाहता है, है? बताइए। जय हिंद। आई एम कैडेट प्रेरणा कुमारी और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज का जो दिन था हमारे लिए बहुत खास था।
हमने इस परेड को ना ही जिया है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस परेड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ड्रिल अच्छा होता है लेकिन इससे हमारा ड्रिल और भी परफेक्ट हो गया, और ऐसा है कि हमेशा ऐसा ऐसा अवसर मिलते रहे ताकि हम परेड करें और इस परेड को और भी बेहतर करें, और ताकि जब हम किसी चीज़ का तैयारी करें और किसी चीज़ में जाएं या CDS के पेपर में जाएं या SSB में जाएं तो हमारा ड्रिल बहुत अच्छा हो और हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएं। जय हिंद। सो थैंक यू वेरी मच। कौन आना चाहता है, कौन छूट रहा है, जिसके मन में लग रहा है कि मैं जाऊँ कुछ बोलूँ, आप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सो माई सेल्फ कैडेट मनीषा कुमारी फ्रॉम फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन। सर आज परेड किया, वहाँ परेड करके बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमने वहाँ पे अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, लाइक अपने आप को फिजिकली हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया हमने। वहाँ पे ड्रिल किया, 10-10 घंटे ड्रिल किया, ऐसा नहीं करते थे कभी, लेकिन इससे हमारा स्टेमिना बिल्डअप हुआ। सो थैंक यू वेरी मच शेयरिंग योर व्यूज। और कोई बोलना चाहता है जो छूट गया है, आना चाहे बोलना चाहते हैं बोलिए जी, बोलिए। राखी हाँ, परिचय बताइए अपना पहले। मेरा नाम अंडर ऑफिसर राखी रंजन है, मैं JDU वुमेंस की हूँ। क्या है आज खास, क्या है हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं? बटालियन जीत गया सर परेड में। परेड में जीत गया, कितनी खुशी है। और क्या है मैसेज आज का गणतंत्र दिवस के अवसर पे, क्या मैसेज है बिहार वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए, क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहती हैं आप? थक गई हैं? हैं? यस सर, बहुत थक गए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू जी। जैन सर, मैं गर्ल्स बटालियन कैडेट ममता कुमारी गर्दनीबाग वुमेंस कॉलेज। मैं यह बताना चाहती हूँ, जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं रिपब्लिक डे परेड देखा करती थी। तो ममता जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा, मालूम है मुझे सुबह से थक चुकी हो। यस सर, जब हम लोग छोटे थे तो रिपब्लिक डे परेड हम लोग TV पे देखा करते थे, तभी मेरी इच्छा थी कि मैं कभी रिपब्लिक डे परेड में भाग लूँ। इसीलिए मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं रिपब्लिक डे परेड में भाग ली और गांधी मैदान में परेड भी की और फर्स्ट भी आया हमारा टीम। इसका मुझे बहुत फख्र है कि हमें इस काम का मौका मिला, इस सपने को पूरा करने का मौका। तो ममता क्या बनना चाहती हो? सर मैं आर्मी लाइन में जाना चाहती हूँ, पर सर मैं अभी जा ही नहीं खाऊंगी, मैं हाई स्कूल में। तो फिर क्या बनोगी? सर मैं मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में जाओगी, ऑल द बेस्ट, नाइस टॉकिंग टू यू। यस आई एम रोहिणी कैडेट रोहिणी भाटी, मैं JDU वुमेंस कॉलेज से हूँ, गर्ल्स बटालियन से, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आज मौका मिला 26 जनवरी के परेड में भाग लेने की, और मैं इसमें भाग लेकर जीती भी। सो अभी घर जाके क्या करोगी? घर जाकर मम्मी पापा को ट्रीट दोगी कि ट्रीट लोगी? ट्रीट। क्या सपना है, क्या देखती हो, अपना भविष्य कैसा देखती हो? सर मुझे आर्मी लाइन में जाने की इच्छा है बचपन से ही, मैं IPS बनूंगी। अच्छा, वाह, ऑल द बेस्ट। सो परिचय बताओ अपना, तनु। मेरा नाम तनु परवीन खान है, मैं JDU से गर्दनीबाग से हूँ, और आज का परेड में हम लोग गर्ल्स बटालियन फर्स्ट रैंक पे आए हैं, और ये मेरा सेकंड टाइम था, मैं गांधी मैदान में सेकंड बार की हूँ। अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहले से अच्छा लगा इस बार। तो गर्दनीबाग कॉलेज में हो तुम? यस सर। किस, कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? आर्ट्स। आर्ट्स में पढ़ती हो? यस सर। तो क्या है सपना तुम्हारा, ख्वाब क्या है? डिफेंस लाइन में जाना। डिफेंस लाइन में जाना, देश की सेवा करना चाहती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।